दोस्तों खत्म हो रहा है भारत के इस दाएं हाथ के टैलेंटेड गेंदबाज का सुनहरा करियर। सिलेक्टर नहीं दे रहे इस खतरनाक गेंदबाज को भाव, तो ऐसे में क्या कुछ है पूरी खबर की जानकारी और कौन है ये तेज गेंदबाज जिसको भारत टीम बार बार अनसुना कर रही है, बताएंगे आपको इस खास रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी है टीम इंडिया के फैन तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों टीम इंडिया के सिलेक्टर भारत के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज का टैलेंट बर्बाद करते नजर आ रहे हैं। सिलेक्टर बाहर बैठाकर इस खिलाड़ी का करियर खत्म कर रहे हैं। ये खिलाड़ी टीम इंडिया में चुने जाने का प्रबल दावेदार है, लेकिन इस खिलाड़ी को मौका नहीं दिया जा रहा है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मोहसिन खान लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंदबाजी करते हुए गेंद को स्विंग कराने में माहिर है। भारत के पास बाएं हाथ के बहुत कम तेज गेंदबाज है। मोहसिन खान का ये एक यूनिक टैलेंट है, लेकिन फिर भी इस खिलाड़ी को टीम इंडिया में मौका नहीं दिया जा रहा है। मोहसिन खान की तेज गेंदबाजी में भारत के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज जाहिर खान की झलक देखने को मिलती है। आईपीएल 2022 में अपने प्रदर्शन से गदर मचा चुके बाएं हाथ से गेंदबाजी करने वाले भारतीय गेंदबाज मोहसिन खान को वेस्टइंडीज दौरे के लिए नहीं चुनकर सिलेक्टर ने हर किसी को हैरत में डाल दिया, जबकि आवेश खान और प्रसिद्ध कृष्णा जैसे फ्लॉप गेंदबाजों को लगातार मौका दिया जा रहा है। जी हां दोस्तों, मोहसिन खान ने आईपीएल 2022 में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलते हुए 9 मैचों में 14 विकेट हासिल किए। इस दौरान उनका इकोनॉमिक रेट 5.93 का रहा है। मोहसिन खान का आईपीएल में बेस्ट बॉलिंग प्रदर्शन 16 रन देकर 4 विकेट हासिल करने का रहा है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है मोहसिन खान के बारे में और आपको क्या लगता है कि मोहसिन खान को भारतीय टीम में मौका मिलना चाहिए या नहीं, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।